नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी पांडे, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। नाउ हाल ही में देखा जा रहा है कि चाइना में हो रहा है प्रोटेस्ट, लेकिन प्रोटेस्ट क्या है वहाँ पे पब्लिकली तो हो नहीं सकता कि रोड पे लोग आ जाएं और झंडे लेकर दिखाएं और काले झंडे दिखाएं गवर्नमेंट ऑफिसर्स को या फिर किसी भी सरकारी ऑफिसर्स को, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसी रिजीम है नहीं जो लोकतांत्रिक तरीके से काम करती हो। कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन है वहाँ पे, तो ओब्वियसली वो लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हो और उसका कोई वीडियो बन जाए ऑल ओवर वर्ल्ड में, फिर वो वायरल हो जाए। इससे क्या होता है, क्योंकि चाइना क्या करता है, अपने जो भी उसकी कम्युनिस्ट आइडियाज़ हैं उसको वो प्रमोट करता है। वो कहता है डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ नहीं है, कम्युनिज्म बहुत अच्छी चीज़ है। CCP जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, वो कहती है डेमोक्रेसी बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है किसी भी कंट्री में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, इसलिए कम्युनिस्ट हो जाना चाहिए सबको। तब अगर वहाँ पे प्रोटेस्ट होगा और उसकी वीडियो पूरी दुनिया में जाएगी, तो जो कम्युनिज्म की सॉफ्ट पावर है या चाइना की सॉफ्ट पावर है या सी जिनपिंग की सॉफ्ट पावर है, उसको धक्का लगेगा। फिर लगेगा कि हाँ, कम्युनिज्म के अंदर भी प्रोटेस्ट होते हैं, क्योंकि उससे लोग खुश नहीं हैं। इसलिए वो ऐसा नहीं चाहता कि चाइना की इमेज ख़राब हो, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट रूलिंग पार्टी ही रूल करती है चाइना को। इस वजह से वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस तरह से कोई प्रोटेस्ट हो, इसलिए ओपन प्रोटेस्ट चाइना में नहीं हो सकता है। अगर होता है तो तत्काल वहाँ की पुलिस धर लेती है लोगों को। वहाँ पे ये मैंडेटरी है कि वहाँ की पुलिस बिना किसी सर्च वारंट के लोगों के घर की तलाशी ले सकती है, लोगों का फ़ोन ले सकती है, उनमें सारा पासवर्ड वगैरह हटा के पूरी फ़ोन की जानकारी ले सकती है। कोई रिपोर्टर बाहर से जाता है तो उसको वहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं करने दी जाती, उसका कैमरा बंद करवा दिया जाता है। क्योंकि चाइना वाले ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे जब कोई बाहर से जाता है तो उनको लगता है कोई इनकी खुफिया जानकारी निकाल ले जाएगा। जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी हैं वो लोग कॉमन पीपल की बात नहीं करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, कॉमन पीपल जब उनके माइंड सेट को ही इसी तरह से सेट किया गया है, उनको ऐसे ही उनका ब्रेन वॉश किया गया है, तो फिर वो तो ओबियसली वैसे ही काम करेंगे। तो हुआ क्या है कि जो 1982 डिस्को डांसर मूवी थी उसका एक गाना था जिम्मी जिम्मी, बप्पी लहरी ने उसे कंपोज किया था और पार्वती खान ने उसको गाया था और मिथुन चक्रवर्ती उस मूवी के हीरो थे, तो वो गाना यूज हो रहा है चाइना में। अब चाइना की जो लैंग्वेज है वो मंडारिन है, जैसे हम इंडिया में बोलते हैं ना चाइना लोग चाइनीज बोलते हैं, तो लोग एक्चुअली में मंडारिन बोलते हैं। जिमी जिमी का क्या है कि मतलब मंडारिन में होता है चावल, तो वो लोग प्रोटेस्ट के जरिए ये जाहिर करना चाहते हैं कि मतलब हमें चावल दो, क्योंकि वो कोई खाली सा बर्तन लेते हैं हाथ में और फिर इंडियन अटायर का कुछ ड्रेस वगैरह ड्रेसअप कर लेते हैं। ओबियसली वो चाइनीज हैं तो इतना अच्छा तो इंडियन अटायर नहीं ड्रेसअप कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करते हैं। तो इंडियन अटायर में आके उस गाने पे वो रील बनाते हैं या मतलब जो भी टिकटॉक वीडियो वगैरह है, क्योंकि वहाँ पे टिकटॉक ही चलता है चाइनीज़ वर्जन का, तो उस पर वो लोग वीडियो बनाते हैं। हालांकि अभी उनके ऑफिशियल्स ने पता नहीं कि इसको डाउन नहीं करवाया, अदरवाइज अकाउंट सस्पेंड करवा देंगे जैसे ही उनको ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी इससे। वैसे भी बाहर वीडियो आ गई है तो ओबियसली ये काफ़ी ज़्यादा वायरल होगी, तो उसका मीनिंग ही होता है जिमी जिमी का कि चावल दो चावल दो। तो इस वजह से क्या है कि वो लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप जो ये जीरो कोविड पॉलिसी अपना रहे हो उससे जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो एकदम से ख़राब हो रही है, क्योंकि चाइना में क्या है कि बहुत ज़्यादा कोविड फैला हुआ है, अचानक से सर्ज आ गया है। मान लो कि एक दिन आया हुआ था चाइना में 850 के आसपास में केस आए हुए थे, अगले दिन ही 2700 केस आ गए और बहुत सारे बड़े बड़े शहर वहाँ के बंद है, जैसे शंघाई की अगर पॉपुलेशन देखी जाए 2.5 करोड़ जनसंख्या रहती है वहाँ पे। जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से पूरा शहर बंद कर दिया गया है, 12-14 शहर ऐसे हैं बड़े बड़े चाइना के जो बंद हैं एकदम से। इस वजह से वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहे हैं। अगर वो रोड पे आके प्रोटेस्ट करेंगे तो गवर्नमेंट ओबियसली कह देगी कि आपने तो COVID-19 के जो लॉकडाउन थे उनके आपने नियम को भंग किया है, आपको अंदर डालते हैं अभी उठा के, इसलिए रोड पे तो आ नहीं सकते। तो इसलिए लोग कुछ इस तरह से तरीका निकाल कर और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट को लिटरली मॉक करने की कोशिश की जा रही है। झोंगझू जो सेंट्रल चाइना की एक बहुत बड़ी सिटी है, वहाँ पे क्या था कि एप्पल का यूनिट लगा था, तो वहाँ पे एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, यानी फैक्ट्री थी एप्पल की, बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पे केस निकलने शुरू हो गए हैं एकदम से। वर्कर को आप सोशल मीडिया पे अगर सर्च मारोगे तो देखोगे बाहर बैठे थे लोग निकल के कंपनी से, क्योंकि वो लोग तो उसमें काम कर रहे हैं, अब वो काम कहाँ करेंगे। और चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी इस तरह से है, बिल्कुल अनफेयर तरीके से लागू होती है। सी जिनपिंग ये दिखाना ही नहीं चाहते कि हमारा लॉस हुआ है कुछ या COVID-19 से, क्योंकि है क्या हेल्थ केयर उनका कैसा है पता नहीं, दुनिया के सामने एक्सपोज हो नहीं पाता है अच्छे से, इस वजह से उनको डर होगा। चाइना में कितने लोग की जान गई थी किसी को नहीं पता है, चाइना का पता नहीं है, जो भी दिखता है ऊंची ऊंची बिल्डिंगें इसके पीछे क्या राज है, लेकिन अगर हेल्थ केयर सिस्टम उनका इतना अच्छा होता है उस पर उनको भरोसा होता, ओबियसली वो ऐसा नहीं करते क्योंकि इकोनॉमी के लिए बहुत खतरा है इस तरह से जीरो कोविड पॉलिसी अपनाना। जो फॉक्सकॉन फैक्ट्री है उसको भी अक्टूबर में ही बंद कर दिया गया था और उससे भी हजारों लोग बेरोजगार हुए और उनके घर के लाखों लोग उसी के बल पे जीते थे, क्योंकि उससे सैलरी आती थी उनके घर के जो भी कमाने वाले होंगे। तो इस वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से वो जिमी जिमी जो 1982 विद डिस्को डांसर मूवी का गाना था उसको गा के वो सॉफ्टली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है गिव मी राइस,
यानी चावल दो, खाली बर्तन ले लेते हैं, इंडियन अटायर कुछ पहन ओढ़ लेते हैं और उसके बाद में वो ऐसा करते हैं। इससे ये क्लियर होता है कि चाइना अंदर से कितना खोखला है, या चाइनीज़ जो भी रिजीम है वो रूल करने के मामले में किस तरह से अपने लोगों के साथ अनफेयर व्यवहार करती है, किस तरह से लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट तक नहीं कर सकते हैं। बाकी ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।